नाज़रीन, आप तमाम का SMH न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। मदरसे ज़करिया में दस्तारबंदी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। जी नाज़रीन, तफ़सीलात के मुताबिक आज बतारीख 31 अक्टूबर को ए बैटरी लाइन बाजार घाट में मौजूद मदरसे ज़करिया में जिन बच्चों ने हाफिज़ कुरान की शहादत हासिल की, इन बच्चों का दस्तारबंदी किया गया। मदरसे ज़करिया जहां बच्चों को दीनी माहौल में बेहतरीन अंदाज में तालीम देते हुए हाफिज़ कुरान बनने का इन्हें मौका फराहम किया जाता है, जहाँ इस मौके पर हाफिज़ सैयद नजीब अहमद साहब, मौलाना उबैदुर रहमान अत्थर साहब, हाफिज़ नवाब मीर मुर्तज़ा अली ख़ान, हाफिज़ सैयद मुजम्मिल और हाफिज़ मोहम्मद उमर ख़ान के अलावा दिगर भी इस मौके पर मौजूद थे। आइए जानते हैं इस खसूस में मज़ीद तफ़सीलात। इसी तरह की मज़ीद ताज़ा तरीन सूरत हाल से वाकिफ़ रहने के लिए SMH न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो है ए बैटरी लाइन इलाके में मदरसे ज़करिया रुजाले जो चलाया जाता है, इसमें आज तीन हफ्ते एतराज जो है दस्तारबंदी की गई। इसमें हज़रत मौलाना अहमद रहमान साहब ने खिताब बयान किया और इस मौके पर मुझे भी शर्फ हासिल हुआ कि इसमें मैं भी शामिल हूँ। तो मैं तमाम मदरसे के जिम्मेदार को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसे ज़माने में आप लोग मदरसे की लाइन से मेहनत कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद यहाँ पर बैठ के जो है बच्चों की तिलावत सुनाऊँ, बेहतरीन अंदाज में लोग कुरान पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ के तमाम जो हाफिज़ हुए बच्चे उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उस सबसे अहम जो मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ उनके माँ बाप को, जिन्होंने इस काम को अपनी दुनिया और आखिरत बनाने के लिए अहम समझ कर अपने बच्चों को इस लाइन में जो है भेजा। खासतौर मंसूर भाई का को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके लड़के भी जो है इसमें हाफिज़ बन गए और साथ ही साथ दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए फ़ख्र और खुशी की बात है कि ए बैटरी लाइन इलाके में जो है मदरसा चल रहा है, इसमें बेहतरीन एक अंदाज में जो है पढ़ाई चलाई जा रही है। यहाँ पर इस मदरसे में 20 से 25 बच्चे पढ़ते हैं और ये लोग बेहतरीन रजिस्टर रखे हैं कि एक मौलवी साहब जो है 4 बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इससे बच्चों के ऊपर बिल्कुल 100% जो है कॉन्सेंट्रेशन के साथ इनको पढ़ाया जाता है। उसका नतीजा आज देखने को मिला कि बच्चों का जो परफॉर्मेंस है उससे आपको मालूम हो जाता है कि इन लोगों ने कैसा इनके ऊपर मेहनत की। शुक्रिया।